वेल हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेड ब्लड म्यूजिक प्रोडक्शन। देखो यार, ये वीडियो ना काफ़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इन दोनों माइक का कंपैरिजन। ये माइक कौन सा मैं दिखा देता हूँ, ये है, दिख रहा है कि नहीं, BM800 दिख रहा है, रुको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा BM800, ठीक है। काफ़ी बिगनर्स जब भी अमेज़ोन पे जाते हैं इसे सर्च करने कि कोई ढंग का सस्ता सा कंडेंसर माइक मिल जाए, तो सबसे पहले सस्ता मजबूत टिकाऊ यही माइक मिलता है। और जब मैंने स्टार्ट किया था म्यूज़िक प्रोडक्शन में, तो मुझे भी यही माइक मिला था। फ़ोन से जब मैंने हट के ट्राई किया था कि अब फ़ोन में मुझे कोई ढंग की क्वालिटी नहीं आ रही उतनी, तो उस टाइम इतना कुछ खास स्मार्टफोन था भी नहीं, उसका एवरेज सा माइक्रोफोन था, तो अच्छी क्वालिटी नहीं आती थी उसमें। बट तब मैंने जाके बाय किया था। अभी तो ये काफ़ी सस्ता मिल रहा है, उस टाइम मैंने करीबन 1400-1500 रुपये का लिया था, शायद पता नहीं अब कितने का मिल रहा होगा ये। तो आज हम इन दोनों माइक का कंपैरिजन करेंगे। ये 1500 रुपये का माइक जो अभी 1000 रुपये का मिल रहा होगा शायद, और ये ऑडियो टेक्निका जो अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से 13-14 हज़ार रुपये का माइक है। तो इन दोनों की क्वालिटी कंपेयर करेंगे, और क्वालिटी कंपेयर करने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये माइक क्या एक प्रोफेशनल वोकल प्रोसेसिंग झेल पाएगा। ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये प्रोफेशनल वोकल प्रोसेसिंग झेल पाएगा तो फिर बिगिनर्स का काम तो इसी में लगभग हो जाना चाहिए। बट एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ सबसे पहले, कि मैं इसे डायरेक्ट जो इसके साथ केबल आती है XLR to 3.5 mm की जो पिन वाली केबल आती है, वो वाली केबल मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ। इसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ अपना ऑडियो इंटरफेस, जो मेरे पास फोकसराइट का 2i2 सेकंड जिनका इंटरफेस है, मैं वो इसमें यूज़ करने वाला हूँ। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं वो वाली केबल यूज़ करूँगा तो इसका आउटपुट ख़राब ही आएगा। तो हम इसे उतनी पावर देंगे जितनी इससे ज़रूरत है। मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है कि आपका माइक अच्छा साउंड क्यों नहीं कर रहा, अगर आपके पास एक बिगिनर्स वाला माइक है तो वो भी जाके देख सकते हो। पहले ये वीडियो देख लो, लास्ट तक देखना, बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है। तो अभी कंपेयर करके देखते हैं। पहले मैं एक वोकल इसमें गाऊंगा और एक वोकल मैं इसमें गाऊंगा, तो फिर कंपेयर करके देखेंगे कौन सा वोकल ज़्यादा ब्राइट आया। फिर उस पर प्रोसेसिंग करके देखेंगे, जो मेरे मैंने अपने वोकल्स पे प्रोसेसिंग कर रखी है वही सेम इस पर अप्लाई करके देखेंगे, और फिर देखेंगे क्या रिजल्ट आया है, दोनों में से कौन सा जीता है माइक, या फिर मुझे पता है सेम यही जीतने वाला है। बट आई थिंक इसका रिजल्ट भी कुछ ठीक ठाक तो आ ही जाना चाहिए ऑडियो इंटरफेस के साथ। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। इसे मैं रख देता हूँ साइड में, पहले इसमें वाले में वोकल्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक एम्प्टी ट्रैक लेता हूँ, ट्रैक नंबर 40 प्री, यहाँ पे ये ऐसे ओके। और यहाँ पे मैं एक वोकल रिकॉर्ड कर लेता हूँ। थोड़ा सा गेन बढ़ा लेता हूँ मैं, 75% मैंने गेन कर दिया इसका। तो अभी रिकॉर्ड करके देखते हैं वोकल्स। अभी ये वाला हमने रिकॉर्ड कर लिया है वोकल, और इस अब हम माइक चेंज करेंगे। अभी हम इसकी जगह ये वाला माइक लगा के देखते हैं। मुझे थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी, होप कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कोई इशू ना आए। ये माइक मैं यहाँ रख देता हूँ। ये वाला मेरा ऑडियो टेक्निका का माइक है, 80-20-35, और अभी मैं यूज़ करूँगा ये BM800। इसमें मैं लगा देता हूँ। ओह, ये तो इसमें आ ही नहीं रहा, ये तो गड़बड़ हो गई। जुगाड़ू तरीका, सिर्फ केबल लगा के ट्राई करना पड़ेगा। केबल भी इसमें ठीक से फिट नहीं हो रही है, और ये जो अभी ऑडियो आ रही है ये मेरे कैमरे से आ रही है, जो भी मैं वेबकैम यूज़ कर रहा हूँ उससे। और अभी ठीक है, हाँ इसकी थोड़ी सी मैं अभी ठीक है, मेरे ख्याल से अभी अब ऑडियो आ रही है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। अभी हम इससे रिकॉर्ड करेंगे वोकल। ये थोड़ा सा यहाँ से क्लिपिंग हो रही है, इसका गेन हमें कम करना पड़ेगा, ये ज़्यादा गेन नहीं सह पा रहा है, तो हम इसका गेन कम कर लेते हैं। 50% गेन कर देता हूँ मैं इसका, आई थिंक अब ठीक आएगा। अभी हमने दोनों वोकल्स रिकॉर्ड कर लिए हैं अच्छे से। अब मैं वापस से अपने पुराने माइक पे शिफ्ट हो जाता हूँ, इसे निकाल देता हूँ।
इसमें ये ढंग से फिट भी नहीं हो रहा था, ये क्लिप ढंग से फिट होती है, बट क्या करे, मेरे पास एक्स्ट्रा केबल होती तो मैं दोनों को साथ में ही लगा लेता, बट मेरे पास एक्स्ट्रा XLR केबल नहीं है, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। आई थिंक साउंड आ रहा है अभी, तो अभी अभी हेडफोन्स हेडफोन्स लगा लगा लेता लेता हूँ हूँ मैं। मैं। अभी अभी चेक चेक करते करते हैं हैं इसकी इसकी क्वालिटी, क्वालिटी, और और मैं मैं यहाँ यहाँ से से इसे इसे मैं मैं बंद बंद कर कर देता देता हूँ। हूँ। दोनों रिकॉर्ड हो चुके हैं हमारे वोकल्स, और अभी देख लेते हैं हम पहला वोकल, देखते हैं हमारा ऑडियो टेक्निका वाला वोकल चेक कर लेते हैं अभी। सारी रात आए भरता, पल पल यादों में मरता, जाने कुछ भी ना मन मेरा, थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी है। ठीक है, कहीं पे लिरिक्स की गलती हो तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मुझे अक्सर लिरिक्स याद नहीं रहते हैं किसी भी सॉन्ग के, याददाश्त इस मामले में थोड़ी सी कमज़ोर है। सारी रात आए भरता, पल पल यादों में मरता, जाने कुछ भी ना मन मेरा, थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, जाने कुछ भी ना मन मेरा। क्वालिटी इतनी बुरी भी नहीं है। बेसिकली जब मैं ये माइक यूज़ करता था, मैं पहले मैं यूज़ करता था तो पहले ऑडियो इंटरफेस का बजट नहीं था मेरा, तो ये डायरेक्ट मुझे अपने सीपीयू से लगाना पड़ता था, तो उस कंडीशन में इसको प्रॉपर पावर नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से बिल्कुल भी अच्छा साउंड नहीं करता था। बट फिलहाल इस कंडीशन में इसे ठीक ठाक पावर मिल रही है, तो अभी ये सही साउंड कर रहा है, काफ़ी सही साउंड कर रहा है अपने इस हिसाब से। तो अभी मैं इसे खोल के भी दिखाऊंगा कि इसके अंदर कैसा क्या कुछ प्रोग्राम होता है। अक्सर लोग इसे खोल के नहीं देखते हैं, क्योंकि जिन लोगों का बजट ये लेने का है तो वो इसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। मेरे पास तो ये है, ये बस मैं शोपीस के तौर पे रखूँगा इसे मैं, तो इस पर हम एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे अभी इसके अंदर क्या है। तो अभी हम इसे हम वोकल प्रोसेस में डाल के देखते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट नंबर पे, और इसे भी हम फर्स्ट नंबर पे डाल देते हैं, नंबर 1। यहाँ पे मैंने पहले से ही एक प्रोफेशनल वोकल मिक्सिंग की हुई है, स्पेशली इस सॉन्ग के लिए नहीं की हुई है, बट कहीं ना कहीं काम चला देगी ये, मतलब ठीक है, तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक लगा लेते हैं हम ऑटो ट्यून, क्योंकि अगर आपके साउंड की क्वालिटी अच्छी है तो वो ऑटो ट्यून को झेल जाएगा। तो अभी हम इसे विदाउट ऑटो ट्यून सुन के देखते हैं। सारी रात आए भरता, पल पल यादों में मरता, जाने कुछ भी ना मन मेरा, थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी है, नींद बेहोश। यहाँ पे थोड़ा सा स्केल से आउट हो गया, तो अभी यहाँ से मैं इसका स्केल सेट कर लेता हूँ, ये डी माइनर में, इसे ऑन कर देता हूँ मैं ऑटो ट्यून को। सारी रात आए भरता, पल पल यादों में मरता, जाने कुछ भी ना मन मेरा, थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, जाने कुछ भी ना मन मेरा। थोड़ा सा आउट ऑफ स्केल हो गया है, बट ये अंदाजे के लिए ठीक है वोकल। अभी हम ये वोकल सुन के देखते हैं विदाउट ऑटोट्यून, सिर्फ प्रोसेसिंग के साथ। सारी रात आए भरता, पल पल यादों में मरता, जाने कुछ भी ना मन मेरा, थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, जाने कुछ भी ना मन मेरा। एक्चुअली ये प्रोसेसिंग बिल्कुल एग्जैक्ट इस वोकल के हिसाब से नहीं हुई है, बट एक अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। एक्चुअली इस वोकल में थोड़ा सा डिस्टोर्शन ज़्यादा आ रहा है, जो
सिग्नल में गड़बड़ी कर रहा है। प्लगइन्स जो हैं जिनको एक प्योर सिग्नल चाहिए उनको पूरा प्योर सिग्नल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टोर्ट कर रहा है ये। तो अभी हम ऑटोट्यून के साथ सुन के देख लेते हैं एक बार इस वाले वोकल को भी। ये BM-800 का, ये वाला BM-800 का है, ये ऊपर ऑडियो टेक्निका का है। तो ऑटोट्यून के साथ सुन के देखते हैं एक बार इसे। कुछ भी ना मन मेरा, थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है। लास्ट में फिर से थोड़ा स्केल की गड़बड़ी अक्सर मैं कर देता हूँ, क्योंकि यार देखो प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, ठीक है ना। प्रोडक्शन में जितनी सिंगिंग की ज़रूरत होती है उतनी आती है, तो बाकी अपने स्किल्स से मैं उसे इम्प्रूव कर लेता हूँ, तो या काम हो जाता है। तो बेसिकली क्लैरिटी के मामले में देखें तो ऑडियो टेक्निका ही जीतता है। सारी रात आए भरता, पल पल यादों में मरता, जाने कुछ भी ना मन मेरा, थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, जाने कुछ। बेसिकली एक जो क्लैरिटी होती है, जो एक परफेक्ट सिग्नल होता है जो हमारे प्लगइन्स को चाहिए होता है, तो वो एक अच्छी क्वालिटी का माइक ही दे पाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इन्वेस्ट सिर्फ एक बार करो, जैसे छोटे मोटे चिंदी माइक्स में इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि ये क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं दे पाते हैं और इनके सिग्नल में उतना दम नहीं होता है कि ये प्लगइन्स तक वो चीज़ पहुँचा पाए कि वो अच्छे से उसे प्रोसेस कर पाए। तो प्रोसेसिंग में हमेशा अक्सर मात खा जाते हैं सस्ते माइक्रोफोन्स, तो सस्ते माइक्रोफोन्स ना लें तो ज़्यादा बेटर है। बट या जिसका बजट नहीं है तो कर सकता है, बट इसके साथ जो केबल आती है वो केबल किसी काम की, किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि वो इसे इतना पावर दे नहीं पाती जितनी इसकी ज़रूरत है। और फिर आपको पता ही है कि आपका वोकल फिर प्रोफेशनल साउंड नहीं करता है, ठीक है। ये इतना भी इसलिए साउंड कर रहा है क्योंकि ये मैंने एक प्रोफेशनल ऑडियो इंटरफेस में यूज़ किया है, उसकी वजह से इसका इतना साउंड आ रहा है, वरना इसके इतने छोटे छोटे वोकल्स आते हैं तो वो बहुत बेकार साउंड करते हैं। ऊपर से ज़्यादा गेन भी नहीं झेल पाता, जो हम इंटरफेस से गेन बढ़ाते हैं तो 50% से ऊपर गेन नहीं झेल पाता ये। अगर 50% से ऊपर गेन करता हूँ तो मैं ये जो हमारे वोकल्स का हेडरूम होता है ये उससे टकराता है, फिर डिस्टॉर्शन होता है, क्लिपिंग होती है। तो स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग के टाइम हुई थी जो, तो ये ज़्यादा गेन भी नहीं झेल पाता है। तो या कौनस तो बहुत सारे हैं इसके। अब इसके थोड़ा सा ऑपरेशन करके देखते हैं हम इसे, इसे हम नीचे कर देते हैं माइक को थोड़ा सा। अब इसका थोड़ा सा ऑपरेशन करके देखते हैं कि क्या कुछ फंडा है। यहाँ से इसका ये खुलता है, इसे खोल के देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या फलसफा छुपा हुआ है। हाँ, तो ये था पूरा, छिल्ला गिर गया। तो दिख रहा होगा, ये रहा देखो, ऐसा कुछ सिस्टम था इसके अंदर। शायद ये अभी ग्रीन स्क्रीन कट करने में थोड़ा सा इशू क्रिएट करे, क्योंकि ये भी ग्रीन कलर का है। बट हाँ, यही है इसके अंदर। और ये यहाँ से सिग्नल लेती हैं, ये तीन वायर्स हैं इसके अंदर, ये तीन वायर्स इसके यहाँ से सिग्नल लेती हैं और वो पहुँचाती हैं यहाँ ऊपर वाला। ऊपर इसके ये है देखो, अंदर ये कंडेंसर माइक रिसीवर है, ये सिग्नल रिसीवर है इसका। तो यहाँ से दो वायर आती हैं, वो यहाँ से बोर्ड में जाती हैं, बोर्ड में थोड़ी सी एम्पलीफाई होती हैं, कुछ कुछ सर्किट्स लगे हैं और बस बेसिक सा काम हुआ, ज़्यादा कुछ स्पेशल इसमें नहीं किया है उन लोगों ने। और यार 1500 में क्या एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हें सोना लगा के देंगे, इसमें इतना दे दिया बहुत है। तो मतलब सही है, मतलब अंदर भी हल्का ही है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो इसे मैं रख देता हूँ साइड में, बाद में इसको मैं अब जोड़ूंगा। तो बेसिकली कंपैरिजन वाइज अगर देखें, अगर बिल्कुल भी बजट नहीं है तो ये माइक्रोफोन ठीक है यार, मतलब इतना बुरा भी नहीं जितना मैं इसे गालियाँ देता हूँ। बट हाँ, गालियाँ इसलिए देता हूँ क्योंकि ये विदाउट इंटरफेस नहीं साउंड करता बिल्कुल भी अच्छा। अगर इंटरफेस है तो काम चलाओ, बिलो एवरेज साउंड करेगा, ठीक है।
एवरेज भी नहीं बोलूँगा मैं इसे, बिलो एवरेज बोलूँगा, बट ये कि हाँ वॉइस ओवर्स वगैरह करने के लिए ठीक है, और थोड़ी बहुत सिंगिंग भी कर सकते हैं प्रैक्टिस वगैरह के लिए, बट या विदाउट इंटरफेस तो ये किसी का कचरे के समान है ये माइक, अगर इंटरफेस इसके साथ यूज़ नहीं कर रहे हो तो। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो भी म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए दोस्तों, ओवर एंड आउट।